नमस्कार, मैं आशा, जस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शिमला मिर्च बहुत बड़े थे तो इनको हम दो टुकड़ों में कट कर रखे हैं। सब्जी बनाने के लिए हमें इन इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। 4 उबले हुए आलू, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, जीरा, धनिया पाउडर, हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हम तेल डालेंगे। 2 बड़े चम्मच जितना तेल हम इसमें डालेंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च भी अभी डाल देंगे। और इसमें हम आलू डालेंगे। अब इसको हाई फ्लेम पर हम अच्छे से भूनेंगे और अभी साथ में मसाले भी ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। और अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और एक टमाटर है, थोड़ा सा इससे कलर अच्छा आ जाता है तो ये ऑप्शन है, डालना चाहें तो ऊपर से छोटे छोटे टमाटर कट करके इसमें डाल सकते हैं। टमाटर इसमें ज़रूरी नहीं है, ये थोड़ा सा इसे कलर अच्छा सा दिखने लगता है तो ये ऑप्शन है, आप इसको अगर नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। स्टफिंग के लिए आलू मसाला बनके एकदम रेडी है। तेल इसमें हम इतना ही डालेंगे जितने में कि सब्जी अच्छे से पक जाए और इसको गैस का फ्लेम स्लो करके इसको हम धीरे धीरे पकाएंगे। और जब हमें लगे कि शिमला मिर्च पक गया है तो हम इसको धीरे सा पलटेंगे और पलट के क्रिस्पी होने तक अच्छे से पकाएंगे फिर से। अभी सब्जी बन के तैयार है, इसको आप ट्राई करना और अपने सुझाव मेरे साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।